दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक कौशिक में। और दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी कोई भी इमेज में आप अपना बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हैं सिर्फ दो स्टेप्स में। ये स्टेप्स बहुत आसान है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप टच। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि ये दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जब आप एंटर कर लेंगे एडोब फोटोशॉप टच पर, तब आपको नीचे एक प्लस इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो भी इमेज जिसका आपने अपना बैकग्राउंड क्लियर करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ रोनाल्डो की फ़ोटो ले रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, रोनाल्डो की फ़ोटो आ चुकी है और यहाँ लेफ्ट में आपको कुछ टूल्स मिलेंगे। तो टूल्स में दोस्तों आपको थर्ड सिलेक्ट करना है जिसका नाम है स्क्रिबल सिलेक्शन टूल। आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ कीप का ऑप्शन होगा और रिमूव का होगा, तो हम सबसे पहले कीप कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं रोनाल्डो की बॉडी सिलेक्ट करूँगा, तो आपको रोनाल्डो की बॉडी जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तब आप इसे रफली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको रफली करके दिखा देता हूँ। जब आप रिमूव पर क्लिक करेंगे, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो हो चुकी है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं आपको हटाने पड़ेंगे, तो हम उसे भी हटा देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ जो है वो थोड़े अजीब से सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, उसको भी आप ठीक करने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और रिफाइन एज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो भी पार्ट गंदा हुआ है आप उसको यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक होता जा रहा है। दोस्तों, जब ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा तब आप नीचे राइट का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह जो है सिलेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड जो ऑप्शन होगा ऊपर एक पेन होगा, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली हट चुका है, एकदम क्लियरली, और ये जो उसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।